क्या पानी हमें वेट लॉस करने में हेल्प करता है हेलो नमस्ते मैं हूँ नैना अग्रवाल स्वागत है आपका मेरी चैनल रूह योग में आज हम बात करेंगे पानी से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में तो सबसे पहली बात यस पानी हमारा वेट लॉस करने में हमें बहुत हेल्प करता है अब सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि किस तरीके से हेल्प करता है पानी हमारी बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देता है हमारी स्किन क्लीन करता है बॉडी को अंदर से क्लीन करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है हमारा मेटाबॉलिज़्म बढ़ा देता है जिससे हमारी जो कैलरी है वो ज़्यादा जल्दी से बर्न होने लगती है और काफ़ी बुक्स में और आ, जो डाइट बुक होती हैं और काफ़ी आर्टिकल में मैंने पढ़ा है और शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ठंडा पानी है ठंडा पानी पीने से जो जब आप डिटॉक्स पे होते हैं या जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं उस टाइम अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है क्योंकि जो ठंडा पानी है उसको बॉडी टेम्परेचर uh, तक लाने के लिए बॉडी को काफ़ी कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है बट अगर आयुर्वेदा की बात करें और मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रूम टेम्परेचर के हिसाब से पानी पिए ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए और हाँ गर्मी है तो गर्मी में आप uh, जो मटके होते हैं जो पॉट वाटर होता है उन मटकों में जितना ठंडा पानी होता है उतना ठंडा पानी आप पी सकते हैं बट उससे ज़्यादा ठंडा पानी आप पियेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा अब बात आती है कि कितना पानी पिए और किस किस टाइम पानी पिए क्या सही क्वांटिटी है एक दिन में पानी पीने की तो मैं आपको बता देती हूँ कि सही टाइम क्या है पानी पीने का और आपको कितना पानी पीना चाहिए कम से कम सुबह उठ के आपको सबसे पहले एक गिलास पानी पीना चाहिए अगर वो थोड़ा सा वार्म वाटर हो तो बहुत अच्छी बात है अदरवाइज़ रूम टेम्परेचर के हिसाब से पिए मॉर्निंग में उठते ही ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए उसके बाद ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले या फिर ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद आप एक एक ग्लास पानी पी सकते हैं उसके बाद जब आपका लंच टाइम होता है लंच टाइम से आधे घंटे या एक घंटे पहले आप एक गिलास पानी पिए लंच के बीच में या लंच के तुरंत बाद पानी ना पिए लंच करने के एक घंटे बाद पानी पिए और उसके बाद जो आपका बीच में स्नैक्स टाइम होता है मतलब जो भी आप खाने जो भी आपने आपका जो मील टाइम है जितनी भी आप मील दिन में लेते हैं उससे आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद में आप एक एक ग्लास पानी लें टोटल आपको पूरे दिन में एक से दो लीटर पानी तो पीना ही पीना है कुछ लोग होते हैं जिनको प्यास कम लगती है तो मैं उनको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो पाए कम से कम एक लीटर से दो लीटर पानी तो प्लीज़ पीजिए ही पीजिए जो हम क्वालिटी स्टडीज़ हुई हैं वाटर को लेके हमारी जो आ, जो हमारी बॉडी है हमारी बॉडी को कम से कम दो से तीन लीटर पानी एवरीडे चाहिए होता है पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आ, पूरी बॉडी को क्लीन रखने के लिए और आपकी द, जो बॉडी का जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करे और आपकी स्किन ग्लो करे इसके लिए आपको दो से तीन लीटर पानी रोज पीना चाहिए हाँ वो पानी आ, ऐसा नहीं है कि पानी आ, उसको आप कुछ में कुछ लेमन या फिर कुछ इस तरीके से आप ले सकते हो बट अगर आप वाटर लेते हो तो जो वाटर है वो पूरा कैलरीज फ्री होता है तो आप उसको दो से तीन लीटर रोज आप पी सकते हो वो आपको फ़ायदा ही करेगा और यस आपका वेट लॉस करने में हेल्प करेगा आयुर्वेदा ये कहता है कि अगर आप वॉर्म वाटर सुबह से शाम तक आ, जो आपका रूटीन है जो आप मील लेते हैं अगर उसके साथ अगर आप जो भी जिस भी टाइम पानी पीते हैं अगर वो पानी वार्म वाटर थोड़ा सा गुनगुना पानी हो और अगर आप गुनगुना पानी पूरा दिन पीते हैं तो एक महीने के अंदर दो से तीन किलो वेट आप बिना कुछ करे अपना वेट लॉस कर सकते हैं और प्लस आप पानी आप कितना पीना चाहिए बॉडी में हर किसी को ये उसकी हाइट उसके वेट और उसकी जो फिज़िकल uh, एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करता है लेकिन जो आयु uh, जो क्वालिटी स्टडीज हुई है आपको कम से कम दो से तीन लीटर रेगुलर पानी पीना चाहिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए मेरी वीडियो को आगे भी देखने के लिए लाइक like, सब्सक्राइब और शेयर करें नमस्ते